हाईकोर्ट के आदेश के बाद चली प्रशासन की हटेजी। दिलीप सिंह यादव ने कोर्ट में लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुविभागीय अधिकारी करेरा के आदेश के पालन में न्यायालय तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण को चिन्हित किए जाने के लिए 10 सदस्यीय सीमांकन दल गठित किया गया था। सीमांकन दल के द्वारा कस्बा करेरा तहसील करेरा स्थित शासकीय महाविद्यालय की भूमि सर्वे नंबर 1996-1997 2033/3 2034 पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हांकित किया। उसके अनुसार राजू पुत्र विष्णु चरण शर्मा, प्रदीप श्याम कुमार पुत्र राम किशोर गुप्ता, सचिन सोनी पुत्र राम अवतार, देवेंद्र जैन पुत्र ज्ञानचंद्र जैन, संतोष पुत्र रघुवर जाटव, कोमल पुत्र भैयालाल साहू, आनंद पुत्र रघुनंदन शर्मा, धर्मचंद पुत्र बाबूलाल जैन, बलवीर पुत्र भाग सिंह पाल, राम विलोकी राय पुत्र सिद्धि राय, राजू पुत्र सुरेश खटी, रामलाल पुत्र सीताराम और संजीव श्रीवास्तव पुत्र शिव स्वरूप के अतिक्रमण चिन्हांकित किए गए। प्रशासन की टीम ने नगर पंचायत की जेसीबी मशीन के द्वारा अतिक्रमण तोड़े और इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी करेरा, अंकुर रवि गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जी डी शर्मा, तहसीलदार जी एस बेरवा, नगर निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पटवारी, नगर पंचायत के संपूर्ण अमले की उपस्थिति में अतिक्रमण तोड़ा गया। और इससे पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना जारी कर अतिक्रमणकर्ताओं से जवाब लिए गए थे। इस प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार ने आदेशित किया था कि कस्बा करेरा शासन की शासकीय महाविद्यालय की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा अतिक्रमण करना एक गंभीर मामला है। ऐसे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और अन्य नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। अतिक्रमण करने वालों पर अर्थदंड आरोपित कर भूमि से बेदखल किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा समय अवधि निकल जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और इसके बाद प्रशासन ने आज दल बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय की बाउंड्री के बाहर लगभग 40 फुट तक शासकीय भूमि निकली है, जो लगभग 20,000 वर्ग फुट अतिक्रमण फोर लाइन फ्रंट में था। ये भूमि ही लगभग 2 करोड़ रुपए की थी, जिसे आज जमींदोज किया गया है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए गए स्थान पर जल्द ही वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे शासकीय भूमि हमेशा के लिए सुरक्षित हो।